नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू सेन और आप देख रहे हैं एस एच टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं एक ब्लॉग्स बनाने वाला हूं और साथ में मेरे साथ ये है मिस्टर राहुल है। तो फ्रेंड्स, हम लोग गोकुल पार्क आए हैं। धनबाद झारखंड में ये जगह स्थित है जो कि बहुत ही डस्टी एरिया है। प्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे, खनन होते हैं और इसी जगह सेल के द्वारा एक पार्क बनाया गया है, यूको पार्क। आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड। तो हम लोग जो आते हैं यहाँ पे थोड़ा थकान दूर करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए। सामने ही बहुत बड़ा बी सेल का क्वार्टर है जिसमें से बहुत सारे बच्चे शाम को आते हैं खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो चलिए इस पार्क का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को और इस ब्लॉग्स को शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पार्क जो है एकदम न्यूली क्रिएटेड पार्क है जो कि अभी बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं, अभी लगाए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों में एक बहुत ही अच्छा पार्क बनने वाला है और आपको भी बहुत मस्ती आने वाली है। अगर आप धनबाद से हैं तो आप प्लीज़ इस पार्क में एक बार विज़िट कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। आपको बहुत इंजॉय आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलिए धीरे धीरे करके देखेंगे इस पार्क में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं और क्या क्या है यहाँ, फाउंटेन्स वगैरह है कि नहीं। और फ्रेंड्स, और एक ज़रूरी बात, यहाँ पर सामने ही नियरेस्ट में एक माँ काली का मंदिर है। अगर आप थोड़ा घूमने के साथ साथ भक्ति भाव भी दिखाना चाहते हैं तो उस मंदिर में जाके आप माथा टेक सकते हैं माँ काली के सामने। फ्रेंड्स, चलते चलते सामने ही मुझे एक मिल गया है, ताड़ का पेड़ है शायद ये। अभी काफ़ी छोटा है, इसको बड़े होने में बहुत समय लगेगा और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शो के लिए बहुत सारे जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ये सब बहुत पहले लगाया गया था जो कि अभी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है। फ्रेंड्स, आप देखिए ये जो है ये स्टोर रूम है इस पार्क का। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है छोटे छोटे पौधों को जो है बड़ा किया जाता है, पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक और गमले में, और उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद इसको प्लांट किया जाता है उस पार्क में। तो आप देख सकते हैं इसका स्टोर रूम भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक कलर का पॉलीथीन में जो है छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। ये शायद में भी बाज़ार से ला कर इसको यहाँ पर रखा जाता है, उसके बाद बड़े होने के बाद इसको प्लांटेशन किया जाता है। आप देख सकते हैं पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर, पानी जो है 24 आवर आते हैं यहाँ पे और जो है पेड़ पौधों को अच्छे से पानी मिलता है जिसके कारण ये काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रही है धीरे धीरे।